बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एमएससी केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है पॉलीमर केमिस्ट्री, और हमारा आज का आर्टिकल है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड पॉली डिस्पर्सिटी। पॉलीमर के मोलेकुलर वेट को लेके हम बहुत सारे बातों को सीख चुके, बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो पॉलीमर के मोलेकुलर वेट पे हुए। इवन हम एक पूरे चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलीमर का जो मोलेकुलर वेट है वो एक आम और एक छोटे मॉलिक्यूल की निस्बत, उसको समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है एक आम मॉलिक्यूल की निस्बत डिफरेंट क्यों है। एक आम मॉलिक्यूल जो है, सपोज दैट वाटर है, इथाइल अल्कोहल है, जब हम इनकी मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो वो डेफिनेट होता है। उनकी मैसेस में डेफिनेटनेस होगी जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। पूरे बल्क में वो बिलियंस मॉलिक्यूल्स भी पड़े होंगे, उनका ना तो मोलेकुलर फार्मूला चेंज होगा ना मोलेकुलर वेट। और अगर हम मोलेकुलर वेट में एक पॉइंट का भी फ़र्क डालेंगे, वो मोलेकुलर फार्मूला सेम कंपाउंड का नहीं रहेगा, कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। लेकिन पॉलीमर्स में यहाँ पे कुछ जो मामला डिफरेंट है, पॉलीमर्स में जो पॉलीमर है उसका मोलेकुलर वेट डिफरेंट हो सकता है। वो थोड़े मोलेकुलर वेट का हो सकता है, ज़्यादा का। मसलन पॉलीथीन है, अब पॉलीथीन थोड़ी मैस वाला भी हो सकता है, ज़्यादा मैस वाला भी हो सकता है, लो विस्कोसिटी हो सकता है, हाई विस्कोसिटी हो सकता है। जो लो विस्कोसिटी यानी थोड़े मोलेकुलर वेट वाला होगा उसे हम शॉपर्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन जो हाई विस्कोसिटी है उसे टॉयज़ और खिलौने वगैरह बनाए जा सकते हैं। वो एक हैवी प्लास्टिक की शक्ल का होता है। सो अल्टीमेटली पॉलीमर की इसी मैस को लेते हुए हम उसकी कुछ एक और चीज़ है, एक दो चीज़ें उसको स्टडी करेंगे, जिसमें है डीपी यानी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिसाइड करता है व्हाट विल बी द मोलेकुलर मास ऑफ अ पॉलीमर। सपोज दैट एक पॉलीमर जो बहुत सारे मोनोमर से मिलके बनता है, जिनको आप रिपीटिंग यूनिट्स भी कहते हैं। अब एक पॉलीमर जो है वो 100 मोनोमर से मिलके बना है, उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 100 होगा। अब जो 500 से मिलके बना उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 500 होगा। एक 10,000 से मिलके बना उसका जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन वो 10,000 होगा। अल्टीमेटली जैसे जैसे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में इजाफा होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसकी मोलेकुलर वेट में भी। तो मैं एक कंपैरिजन क्रिएट किए देता हूँ बिटवीन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड मोलेकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर, एंड दिस इज़ द फार्मूला हेयर। सो दिस कैपिटल एम इज़ द मोलेकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, एंड दिस स्मॉल एम इज़ द मोलेकुलर वेट ऑफ अ सिंगल मोनोमर। It means that DP is actually the total number of monomers which are being attached to make a polymer. So when we multiplied with the mass of a single monomer, it will be the molecular weight of the polymer. अब जिस तरह हमने बात की कि polymer की molecular weight या molecular mass की बात नहीं होती, हम उनकी mass या weight को average out करते हैं, तो हम दो तरह के, चार तरह के एवरेज वैल्यूज़ निकालते हैं। लेकिन मैं दो तरह की जो एवरेज वैल्यूज़ की बात हम ज़्यादा करते हैं, बल्कि हमने भी एम्फसाइज इन्हीं दो पे किया है, एक नंबर एवरेज मोलेकुलर वेट, एक वेट एवरेज मोलेकुलर वेट। तो जो नंबर एवरेज मोलेकुलर वेट ऑफ पॉलीमर होगा, दिस विल बी एसोसिएटेड विद द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लाइक दिस वन। तो नंबर एवरेज मोलेकुलर वेट में आपको डीपी की ज़रूरत नहीं, बल्कि नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे। सो दिस इज़ द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, दिस इज़ द नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ अ सिंगल मोनोमर। व्हेन इट विल बी द वेट एवरेज मोलेकुलर वेट ऑफ अ पॉलीमर, इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मोलेकुलर मास ऑफ अ सिंगल मोनोमर एंड वेट एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ दैट पॉलीमर। सो ये तीन जो रिलेशंस हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सो हाउ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड मोलेकुलर वेट आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। अब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को स्टडी करने के बाद हम पॉली डिस्पर्सिटी की भी बात करते हैं। पॉली डिस्पर्सिटी से पहले मोनो डिस्पर्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, मोनो डिस्पर्सिटी क्या है।
अगर आपके पास एक छोटा मॉलिक्यूल है छोटे साइज का, जैसे एथेनॉल है, वाटर है, याद रखें पूरे बल्क ऑफ सैंपल में, पूरे सैंपल में आपको हर मॉलिक्यूल का साइज एक जैसा नज़र आएगा। सो दिस इज द सैंपल ऑफ अ मोनो डिस्पर्स्ड मॉलिक्यूल लाइक एथेनॉल और वाटर। ये मोनो डिस्पर्स्ड है यानी सब के सब सैंपल के अंदर पड़े तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज एक जैसा होगा, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। अब जब हम पॉली डिस्पर्स की बात करते हैं, पॉली डिस्पर्स्ड सिस्टम की बात करते हैं, वो पॉलीमर्स में स्टडी किया जाता है। तो पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं कि इस तरह के पॉलीमर सैंपल के अंदर जो पॉली डिस्पर्स्ड होता है, सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज एक जैसा नहीं होता। मसलन कोई बहुत से छोटे साइज वाले, कुछ बहुत बड़े साइज वाले, कुछ एवरेज साइज वाले, मतलब डिफरेंट साइजेस के आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे और हर मॉलिक्यूल जो है उसकी अपनी एक तादाद होगी उस साइज़ की, जिसको आप एन आई कहते हैं। और हर जो मॉलिक्यूल है उसकी अपनी एक मास होगी जिसको आप एम आई कहते हैं। ये हम एग्जांपल में इसको हम पढ़ चुके हैं। सो इस तरह के सिस्टम को हम पॉली डिस्पर्स्ड सिस्टम कहते हैं। रिमेंबर दैट मैं बात करता हूँ एक ऐसे पॉलीमर की जिसकी एवरेज वेट जो है वो 40,000 है। अब उस 40,000 मोलेकुलर वेट एवरेज जो है उसकी पॉली डिस्पर्सिटी डिफरेंट हो सकती है, मसलन उसका जो डिस्पर्शन पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है। मसलन 40,000 तो एवरेज है, मे बी इसकी रेंज 20,000 से शुरू होकर 80,000 तक जाती हो, इनको जब आप एवरेज आउट करें तो 40,000 निकल आता हो। एन मुमकिन है कि वो रेंज लो 500 से लेके हाईएस्ट 1 लाख तक हो। तो 40,000 मोलेकुलर वेट जो एवरेज मोलेकुलर वेट है उसमें हमें डिस्पर्शन पैटर्न का नहीं पता कि वो 20,000 से 80,000 के दरमियान की एवरेज है, वो 500 से 1 लाख के दरमियान की एवरेज है। यानी जब तक हम डिस्पर्शन पैटर्न नहीं समझेंगे तो एवरेज मोलेकुलर मास देख के या एवरेज मोलेकुलर वेट देख के हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि असल डिस्पर्शन पैटर्न क्या है। यानी सबसे डिस्पर्शन पैटर्न का मतलब ये होगा हम जान सकें सबसे जो लोएस्ट मास मॉलिक्यूल उसमें किस तरह का है और सबसे हाईएस्ट मास पॉलीमर जो है मॉलिक्यूल जो है उस पॉलीमर में वो किस तरह का है। तो पॉली डिस्पर्सिटी जो है कंप्लीट, अगर आप पॉलीमर का नॉलेज देखना चाहते हैं, एक तो आपको इसकी एवरेज वेट का पता होना चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको डिस्पर्शन पैटर्न का भी पता होना चाहिए कि सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। और जब भी हमने किसी पॉलीमर की डिस्पर्सिटी का अंदाज़ा करना हो, डिस्पर्शन पैटर्न के बारे में जानना हो, तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसको मोलेकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहा जाता है। इस कर्व को देखते हुए हम अंदाज़ा होता है कि डिस्पर्सिटी या पॉली डिस्पर्सिटी की नेचर किस तरह की है। और ये ग्राफ स्केच करने के लिए हम एक्स एक्सिस पे नंबर फ्रैक्शन लेना पड़ती हैं और वाई एक्सिस पे मोलेकुलर वेट्स लेना पड़ते हैं। यानी सपोज दैट हम कहते हैं कि एन वन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये एन टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एन थ्री, एन फोर, एन फाइव, एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर, इस तरह नंबर की रेंजेस होंगी, फ्रैक्शंस होंगी, इसी तरह मोलेकुलर वेट्स की भी रेंजेस और फ्रैक्शंस होंगे। तो इनको देखते हुए हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलेगा, वहाँ से हमें पॉली डिस्पर्सिटी का अंदाज़ा होगा। व्हाट विल बी द मिनिमम मोलेकुलर वेट मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द हाईएस्ट मोलेकुलर वेट और दरमियान की डिस्पर्शन कैसी है, ये हमें इस कर्व से अंदाज़ा हो जाएगा। तो पॉली डिस्पर्सिटी पे हमारा लेक्चर सिर्फ यहाँ तक महदूद होगा। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को सिंपल हम इतना सा जानेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फर्दर इन्हीं को ही हम हाईलाइट करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को। सो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।